हेलो दोस्तों, आज यार समझेंगे कि हम लोग सोशल साइंस कैसे पढ़ सकते हैं। तो यार इसे समझने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सुन लेना यार। हमारे चैनल पे जो है रीच थोड़ी सी कम हो गई है ना, तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, अपने स्कूल के ग्रुप तक, अपने दोस्तों तक। इससे यार आप लोग का तो 2 ही मिनट लगेंगे, लेकिन मेरा काफ़ी कुछ काम आसान हो जाएगा, है ना। अगर आप लोगों को समझ आती हैं चीज़ें और अच्छा लगता है मैं आप लोगों के रेगुलर कंटेंट बनाता हूँ, तो यार प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है यार कि आप लोग कंटेंट को सपोर्ट करें और शेयर कर दें, ठीक है। कोई किसी पर प्रेशराइज नहीं है कि करना ही करना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ना करें, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम लिया उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यार, जब हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं ना, तो अगर आपको इससे डर लगता है तो सही बता रहा हूँ, आप लोग वहम की जिंदगी जी रहे हैं, ये डरने लायक सब्जेक्ट है ही नहीं। कई लोग कहेंगे यार क्या बोल रहे हो भैया, हैं मतलब एक तो इसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ते हैं याद नहीं होता, ठीक है, अब साइंस और मैथ्स की तरह इसके ट्यूशन हमने लगवा नहीं रखे, तो हम तो मतलब क्या ही बचते हैं इसमें। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यार हिस्ट्री में ना आप लोग कहानियाँ ही तो हैं, वो है ना भाई, सच है झूठ है अलग रखो यार, ये समझो कहानी है ना, हैं, तो कहानी को कहानी की तरह याद कर लो यार, ठीक है, किसी चीज़ से सुना करो उस तरीके से, ठीक है। YouTube पर काफ़ी सारी वीडियो जिन लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, आप लोग उनसे सुने और फिर एग्जीक्यूट कर लें। डेट्स लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, नाम और डेट्स से याद नहीं होती, या तो कोई सीक्वेंस बना लो, कोई पैटर्न बना लो जिनसे याद हो जाए। अगर फिर भी याद नहीं होती मेरे भाई, तो एक पेज पर लिख लो, बस ये नाम डेट ही तो है जो हमें थोड़ा सा दिक्कत करती है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो और कहानी को केवल सुनो और याद हो जाएगी, केवल सुनो और याद हो जाएगी। ज़्यादा नोट्स बनाना ये सब करना, इस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा लफड़े में मत पढ़ो, ठीक है, इन सब को कर लो हो जाएगा। अगर बात करूँ ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की, है ना, तो यार इसमें थोड़ी मैप वगैरह की बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया मैप की दिक्कत है ना, कहाँ कौन सी सॉइल है, कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती है, इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। मैंने हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं कहा ना 10-10 बार लिखो, लेकिन यार जिस सब्जेक्ट में जिस चीज़ की नीड होगी वो सब्जेक्ट उस तरीके से हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए थोड़ी सी मैप पे प्रैक्टिस करा करें, ठीक है। हम लोग के साथ दिक्कत क्या है ना यार, हम लोग अपने आप को रोबोट चिट्ठी समझ लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को स्कैन मारते हैं, कभी करके देखते नहीं, तो वो चीज़ दिमाग में आती नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें स्कैन मार के नहीं काम चलेगा मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्कैन मारना बंद करो, लिखना चालू करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर चीज़ों में पैटर्न समझना है तो ऐसा करा करो, ये चीज़ हुई कोमा, ये चीज़ एरो, ये चीज़। मान लो कि मुझे आपके घर जाना है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा भाई, मान लो किसी का नाम है राम, राम एरो कहाँ रहता है, इस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ रहता है, इस ज़िले में, अच्छा जी, इसके बाद इसका स्टेट कौन सा है, ये कंट्री कौन सी है, इंडिया। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न हो, जब ऐसे आप लोग चीज़ों को समझेंगे ना, मेमोराइज करेंगे, चीज़ें याद होंगी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाओ इस सब्जेक्ट में, थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की 10th क्लास वाले बच्चों को मुझे नहीं लगता कोई पर्सनल ज़रूरत है, मैंने पर्सनली नहीं लिखे थे, ठीक है। एक रिफ्रेशर उठा लाया था मैं, उससे क्वेश्चन कर लिया करता था और इनफ था। और सही बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में 9th में जितनी प्रॉब्लम आ रही थी ना, 10th क्लास के अंदर मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर जैसा कुछ कर लिया था, ठीक है। बहुत अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ना फिर भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे क्लास के काफ़ी सारे बच्चों को मैं पढ़ा दिया करता था इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी ग्रिप बन गई थी, मैं केवल इतना ही करता था। और सच बता रहा हूँ, घर आके कभी नहीं पढ़ा इस सब्जेक्ट, कभी भी नहीं पढ़ा भाई। पेपर से पहले 1 हफ्ते पहले हम लोग लग गए थे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, बाकी मैं केवल स्कूल में पढ़ता था, दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लिया करता था इससे लेके। मेरा एक दोस्त था, उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसके साथ डिस्कशन हो जाया करता था, तो चीज़ें याद ऐसी हो गई थी। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ इस तरीके से चलेंगे। अब भैया आप तो स्कूल जाते थे, हमारे टाइम पर तो स्कूल ही बंद है, फ़ोन पर डिस्कशन कर लो, है ना, व्हाट्सएप पर कर लो, बातें करने की फालतू, पढ़ाई का डिस्कशन करोगे तो आप दोनों ही इम्प्रोवाइज होगे ना, दोस्ती भी प्रोडक्टिव यूज़ की जा सकती है। अब बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें हम लोग, तो बाकी सब्जेक्ट में सेम क्राइटेरिया, इको हो गई, कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है, कहानियाँ याद करनी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जिसे आप लोग सिविक्स भी बोलते हैं, तो यार इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। हिस्ट्री को हम लोग जिस तरीके से समझ रहे थे, इसे भी हम उसी तरीके से समझेंगे, बस हम लोग को क्या कर देना है, पैटर्न बना लेना है,
अगर आपको नहीं समझ आ रही पैटर्न बनाना, मैं क्या बोले जा रहा हूँ बार बार, मैंने इंग्लिश के लेक्चर बना रखे हैं चैप्टर वन का और चैप्टर टू का, ठीक है, आगे भी औरों को डाल दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो उन चीज़ों को जैसे मैंने लिख रखा है ना, आप लोग कुछ ऐसा बनाएं, ये मैप बन जाता है दिमाग के अंदर, चीज़ें याद होती चली जाती है, बीच में तो हम लोग लगा ही सकते हैं, ठीक है। मैम एक चीज़ कहती थी हमारी सोशल साइंस वाली, वो कहती थी कि बेटा जब क्वेश्चन आपको थोड़ी सी दिक्कत करे ना, तो ये अंदर की बात है मैं आपको बता रहा हूँ, कि क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग में लिखो, आंसर लिखो, फिर क्वेश्चन को एंड में लिखो। क्वेश्चन को एंड में लिखने का मतलब ये नहीं है, या स्टार्टिंग में लिखने का ये मतलब नहीं है कि उसने लिखा व्हाट इज़ योर नेम तो हम लिखें व्हाट इज़ योर नेम, नहीं, माय नेम इज़, ऐसे करके मतलब उसमें से शब्द उठाओ इसमें लगाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बड़े होते हैं, आप क्वेश्चन को ये लिखेंगे ना ऊपर नीचे तो वो भी काफ़ी कुछ लेंथ बढ़ाता है, और ये लेंथ बढ़ाना फ़ायदा करता है यार इस सब्जेक्ट में, सीधा सा करता है, ठीक है। साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, इसमें आपको नंबर मिलते हैं, नंबर लेना सीखो या नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख लो, आपको काम आएगी, ये नहीं समझ आ रही ये देख लो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।